यहाँ से अब हम आपको आसपास की कॉलोनी दिखा देते हैं। पूरी कॉलोनी है, अभी हमारे दो मकान और बनेंगे नीचे तो वो भी मिल जाएंगे। ये जो मैं आपको ये मकान दिखा रहा हूँ 1120 स्क्वायर फीट का मकान है। ये जो मकान है 3 BHK का मकान है, बहुत ही लग्जीरियस इसमें व्यू आ रहा है, जिसमें कि आपके 3 कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, कार पार्किंग है, मॉडुलर किचन आपका बना हुआ है, वार्डरोब हर एक रूम में बनी है, पूरा मकान फॉल्स सीलिंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको एक मकान दिखाने जा रहा हूं जो कि 1120 स्क्वायर फीट का प्लॉटेड एरिया में मकान बना हुआ है। जैसा कि देखिए अभी आप बैक साइड में देख पा रहे होंगे, मैं खड़ा हूं ड्राइंग रूम में, मकान के अंदर ही मैं करंट टाइम में खड़ा हूँ। ये जो मकान है 3 BHK का मकान है, बहुत ही लग्जीरियस इसमें व्यू आ रहा है, जिसमें कि आपके 3 कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, कार पार्किंग है, मॉड्यूलर किचन आपका बना हुआ है, वार्डरोब हर एक रूम में बनी है, पूरा मकान फॉल्स सीलिंग है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो जानकीपुरम में अगर आपने 60 फीटा रोड देखा होगा, उसी के नज़दीक में ही 60 फीटा रोड के पास में ही आपके मकान यहां पर अवेलेबल है सेल होने के लिए। टोटल अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो टोटल इसमें 5 यूनिट है, जिसमें कि 3 यूनिट आपकी ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है और उसमें से 1 यूनिट आपकी सोल्ड आउट भी हो चुकी है। चलिए चलते हैं मकान के अंदर और डिटेल में समझते हैं इस मकान के बारे में। जैसा कि देखिए अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी एंट्रेंस है पोर्च की और पोर्च में बहुत ही बढ़िया स्पेस है कार पार्किंग के लिए। और ये आप लॉन देख सकते हैं, लॉन ये लगभग आपका 4 फीट की लॉन स्पेस आपको मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ में ये आपका मकान बना हुआ है जो कि अभी आप अंदर से देख रहे हैं। इसमें आपके 2 लाइन दी हुई हैं पानी के लिए और एंट्रेंस के लिए आपके दरवाजे मिल जाते हैं 2, एक आपका एंट्रेंस ये दरवाज़ा है और एक आपका एंट्रेंस ये दरवाज़ा है। टोटल आपका 3 BHK का ये आपका कंप्लीट मकान बना हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और अंदर से हम आपको कंप्लीट दिखाते हैं। ये आप देखिए, जैसे ही आप एंट्री करते हैं बहुत ही बढ़िया लग्जीरियस आपको लुक आ रहा है। ये आपका ड्राइंग रूम है, जैसा कि देखिए अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका ड्राइंग रूम है और ऊपर की फॉल्स सीलिंग आप देख सकते हैं डिज़ाइनरदार है, बहुत ही बढ़िया फॉल्स सीलिंग बनाई हुई है। वेंटिलेशन के लिए आपके देखिए सारे यहाँ पर विंडो दी हुई है इस तरफ में, तो वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये आपका ड्राइंग रूम है, जिसमें कि आपको कैबिनेट भी दिया जा रहा है टीवी का, इसमें फर्नीचर वर्क इसमें आपका इंक्लूड है। काफ़ी अच्छा मकान है, अभी ये एक्चुअल में करंट टाइम में बन रहा है तो इसमें सब साफ सफाई अभी बाकी है। अभी हम इसमें जैसे ही और अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री का दरवाज़ा आपका एक ए भी था, इससे भी आप एंट्री कर सकते थे। दरवाजे की आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दरवाजे की क्वालिटी है। देखिए इस मकान में टोटल आपको फर्नीचर का वर्क मिल जाता है, स्पेस आप देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन के साथ में ये आपको मकान मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया वर्क दिया हो मॉड्यूलर किचन का, ये देखिए। और पूरे मकान में प्रॉपर फॉल्स सीलिंग का वर्क दिया जाता है, देखिए।
इसमें आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो दरवाज़ा एक आपका ये मिल जाता है जो कि रूम का है, और रूम के साथ में एक आपको ये टॉयलेट मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका एक इंडियन टॉयलेट है पूरा। यहाँ पर अभी आपको हैंड वॉश के लिए लगा के दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो भी दी गई है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें निकल के आया है। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही ये देखिए आपकी फॉल्स सीलिंग कितनी बढ़िया लग रही है। फॉल्स सीलिंग का लुक देखिए, बहुत ही बढ़िया लुक है फॉल्स सीलिंग का। इसमें आप जैसे ही आते हैं तो एक आपको वार्डरोब का भी स्पेस सेपरेट दिया गया है। रीज़न क्या है कि जो मकान अभी आप देख रहे हैं इसकी आपकी जो डेप्थ है 56 की डेप्थ है, 56, और जो फ्रंट है हमारा 20 फीट का है, तो इस वजह से काफ़ी सुंदर मकान आपका निकल के आ जाता है। ये अंदर का है पूरा जो भी आप देख रहे हैं, तो इसमें लाइटनिंग के साथ कंप्लीट आपको मकान दिया जाता है। दरवाज़े देखिए काफ़ी अच्छे दरवाज़े दिए हुए हैं। ये आपका आंगन है, जैसा कि देखिए अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका आंगन है। और ये देखिए आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाती है। इस साइड में आपका टॉयलेट है, और ऊपर का अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए आपको OTS दिया हुआ है पहले से, और जो ये रूम दिया है इस रूम से अटैच एक आपका OTS दिया है, आंगन दिया है कि जिसमें कि आपका वेंटिलेशन हो सके, आराम से आप इसको हवा पास हो सके। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। सेकंड रूम भी हम आपको भी दिखाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रूम था। अब यहाँ से फिर हम जैसे ही बाहर आएंगे तो इसी से अटैच एक सेकंड रूम भी आपको मिल जाता है। ये देखिए इस रूम में फॉर सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर सीलिंग बनी हुई है। फॉर सीलिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। कोप लाइट पूरी लगी है, जो आप अंदर की साइड में आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये आपकी कोप लाइट, ये देखिए। और इस रूम में आपको वार्डरोब मिल जाती है। तो मकान में फर्नीचर का वर्क बहुत दिया हुआ है, अच्छा फर्नीचर का वर्क है, डिज़ाइनर है, लुक वाइज बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव हो रहा है, दिख रहा है। पूरे मकान में कंप्लीट आपकी फॉल्स सीलिंग आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, यानी कि स्टेयर्स से हम निकलते हैं और बाहर से ही इसका वेंटिलेशन है। जाने के लिए भी रास्ता आपका स्टेयर्स बाहर से है, जिसमें कि फर्दर आप ऊपर आना चाहेंगे रूम को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपका एंट्रेंस होके आप ऊपर आ जाते हैं, ऊपर देखेंगे ये आपका स्पेस हो गया बाहर की तरफ में, काफ़ी बढ़िया स्पेस है आपको है। ये आपका पूरा पोर्च स्पेस है जो भी आप देख रहे हैं। और यहाँ से अब हम आपको आसपास की कॉलोनी दिखा देते हैं। पूरी कॉलोनी है। अभी हमारे दो मकान और बनेंगे नीचे, तो वो भी मिल जाएंगे। ये जो मैं आपको ये मकान दिखा रहा हूँ 1120 स्क्वायर फीट का मकान है, पूरा कवर्ड एरिया है 1600 स्क्वायर फीट का। और ये आपका लॉन है, टफन ग्लास आप देख सकते हैं, टफन ग्लास लगाया हुआ है फ्रंट एलिवेशन में। और टाइल्स आप देखेंगे तो टाइल्स भी मिल जाएगा। ये आपकी रेलिंग लगाई गई है लोहे की, ये कपड़े। पूरा मकान बहुत ही बढ़िया है। वेंटिलेशन के लिए एक आपकी देखिए विंडो दी हुई है, एक आपका ये रूम हो जाता है, और रूम के साथ में ही एक आपका स्पेस है बाहर का। फर्दर आप इसको अगर बनाना चाहें तो आप इसको ऊपर बना भी सकते हैं। ये देखिए तो कॉलोनी बहुत ही बढ़िया है। कवर्ड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 1600 स्क्वायर फीट का
कवर्ड एरिया में आपको मकान ये मिल जाता है। आसपास की आप देखिए लोकेशन देख सकते हैं, ये जानकीपुरम है, तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आलीशान लोकेशन है, जिसमें कि हर तरफ आसपास में फैमिलीज रहती है। देखिए बहुत ही बढ़िया।